मैं बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ मेरे को वो लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते पुलिस के बारे में बोलना बहुत जरूरी है मेरे लिए पुलिस के बारे में हिंदुस्तान के अधिकांश लोगों के बीच में एक 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 छवि बनी हुई है वो ये कि पुलिस वाले करप्ट हैं पुलिस वाले हर बात परेशान करते हैं पुलिस वाले हर चीज़ में टांगाते हैं और पुलिस वाले बेसिकली इस समाज में एक अलग टाइप का माहौल बनाकर जी रहे हैं हमारे खिलाफ़ में मीडिया भी कभी कभी खड़ी होती है हमारे खिलाफ़ में ह्यूमन राइट right भी खड़ा होता है हमारे क्लास में जुडिशरी भी खड़ी होती है और कभी कभी जनता भी खड़ी होती है तो कभी कभी मुझे लगता है कि हम आखिर किसके लिए काम कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है हमको कभी कभी हमको लगता है कि सच में हमको गलत काम तो नहीं कर रहे हैं पर बाद में मेरे बहुत गहराई सोचने के बाद लगता है कुछ तो हस्ती है कि हम मिट नहीं रहे हैं कुछ तो हस्ती है हमारे अंदर जो जिसकी ज़रूरत इस देश को समाज को है तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि हमारी ज़रूरत क्या है और हमारे ऊपर जो आरोप है वो कितने सही हैं और कितनी गलत हैं पहली बात तो ये है कि हम जह, जिस समाज से आ रहे हैं वो वही समाज से आप आ पा रहे हैं अलग से नहीं है तो हमारे अंदर भी ऐसे लोग जरूर होंगे हैं जो कि पैसे और लालचों के पीछे पड़े हुए हैं जिस कारण से हम बदनाम हो रहे हैं वो ऐसा कोई भी समाज मुझे बताओ जहाँ पर ऐसे लोग नहीं हैं कोई भी समाज डॉक्टर इंजीनियर जुडिशरी या या किसान या कोई बताइए आप अरे हम जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिन लोगों के लिए ईमानदारी की बात कर रहे हैं जिसको हम सामान्य जनता बोलते हैं वो सामान्य जनता का भी तो हाल देखो मुझे अभी तक तो कोई दूध वाला नहीं मिला जो पानी नहीं मिलाता वो दूध में सामान्य जनता है बरबर ट्रेन में दस साल के बच्चे को पाँच साल का बच्चा बताकर टिकट न लेने की परंपरा हिंदुस्तान की पहली परंपरा है बाथरूम में हम मग नहीं रख पाते हैं अपने हिंदुस्तान में किसके ट्रेन के बाथरूम्स में तो जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं जिनको हम सामान्य व्यक्ति बना रहे हैं वहाँ भी बहुत सारी बेईमानी की प्रॉब्लम्स हैं उसी दिन से शुरू हो जाती हैं जब आप पैदा होते हैं क्योंकि तो जिस दिन आप पैदा होते हैं उसी दिन वो नर्स बोलती है लड़का हुआ है दो पाँच सौ उसी दिन से शुरू हो जाता है हमारे नसों में अंदर इंजेक्शन के रूप में जो जा रहा है वो बेईमानी की कितनी सारी चीज़ें जा रही हैं इसकी कोई हद नहीं मेरी माँ बोलती है मुझे कि तुम बेवकूफ हो आईपीएस एस भी घर नहीं बना पा रहे बड़ा वाला हमारे बगल का थानेदार ने इतना बड़ा कोठी बनवा लिया तो हमारा सिस्टम बेसिकली इस तरह का है अब उस सिस्टम से लड़ने के लिए जब हम बाहर निकलते हैं तो उसमें पुलिस वाले भी ऐसे हैं जिनके पास सत्ता है जिनके पास में ताकत है और इस देश का और संसार का तुलसीदास ने बोला है कि भय बिन हो न प्रीति बिना डर के कोई प्रीति नहीं होती कोई कोई प्रेम नहीं होता तो उसमें कुछ परसेंटेज लोग हैं जिसको हम बोल सकते हैं आ, चार परसेंट मैगजिम पाँच परसेंट जो बेईमान हैं जिनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है उन लोगों ने हमको बर्बाद कर दिया है पुलिस का नाम खराब कर दिया है ग्यारह साल पहले जब मैंने पुलिस ज्वाइन की थी तो मेरे खानदान में कोई पुलिस में नहीं था तब मैं भी ऐसा ही सोचता था कि पुलिस आराम को रही लेकिन ग्यारह साल काम करने के बाद आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में काम करने के लिए समाज के लिए कुछ काम करने के लिए कोई संस्था है कोई जगह है तो सिर्फ पुलिस है हमारे पास रोता हुआ आदमी आता है हमारे पास वो आदमी आता है जिसके साथ अन्याय हुआ है लेकिन साथ में वो भी आता है जो शोषण शोषक करने वाला है शोषक और शोषण दोनों आते हैं। अब प्रॉब्लम समझिए हमारी दोनों लोग आ गए हमको ये तय करने में टाइम लगता है कौन सही है कौन गलत है क्योंकि आपको 20-20 साल लगे तय करने में कौन गलत है कौन सही है आपके आपका दोस्त अचानक से आपके खिलाफ़ में कुछ कर गया और आप बोलते अरे साला आस्तीन का सांप निकला बरूबर है आप बीस साल तक तय नहीं कर पाए कि सही है गलत है हमको बोलते हो पाँच मिनट में तय करो कैसे करोगे हम फाइलों से नहीं खेल रहे हम आदमी से खेल रहे हैं वही आदमी जो एक बार अच्छा व्यवहार करता है दूसरा अच्छा व्यवहार तीसरा बार करता है वही आदमी जो अचानक से उग्र हो जाता है वही आदमी जिसका पता ही नहीं है कैसा बिहेव करेगा कभी कभी कोई पत्रकार अपना बड़ी अच्छी बात करता है लगता है कितना सज्जन आदमी है अचानक से वो एकदम किसी स्पॉट पे मिलता है बोलता है साहब आंसर दिया तुम्हें क्या देते नहीं आंसर बेगूर एकदम अलग हो जाता है वो तो वो हम आदमियों से खिल रहे हैं और आदमियों से खिलना इतना आसान नहीं है आदमियों के इमोशंस अलग अलग है इसलिए हम ये तय नहीं कर सकते पाँच मिनट के अंदर हमको बोला जाता है बच्ची का रेप हो गया है एक दो घंटे के अंदर अगर आरोपी नहीं पकड़ा गया तो हम थाना जला देंगे अरे बाबा कैसे जला दोगे तुम थाना क्या कोई हमारे पास मशीन है क्या दो ही आंखें हमारे पास दो ही हाथ हैं हमारे पास हमको टाइम तो दीजिए आप और एक्सीडेंट हो गया हम गाड़ी जला देते समाज में जो पुलिस के ऊपर प्रेशर है वो प्रेशर मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी जगह पर किसी पर नहीं देखा इतना प्रेशर है काम करने का और रिजल्ट देने का काम करना अलग बात रिजल्ट देना अलग है एक आदमी 10 से 5 बजे तक ऑफिस में बैठता है और वो दस से पांच बैठ करके बैठ बैठ करके फाइल एंसक्रूट नहीं करते हुए हाइन करता है वो गलती कैसे करेगा अगर अगर वो ईमानदार है तो लेकिन हम तो गलती करने के लिए ही पैदा हुए हमारी गलती रोज होती है हमसे हमने एक को बोला चलिए भाई आप ए यहाँ पे खड़ा मत कीजिए गाड़ी आप आए खड़ा कीजिए बोलेगा तुम्हें कौन हम बोलेंगे उसे कि मैं यहाँ या, या, ठिकानी मधे सिपाहिया है माजा बक्कल ऐसा है अरे मेरा नाम ऐसा ऐसा है तुम्हें गाड़ी जरा प्लीज जरा आगे करा कौन मानना रमशी बाब संगा कोई नहीं मानता वो क्या बोले अरे रुकना यार थोड़ी देर में हटा रहा हूँ गाड़ी इसलिए क्या बोलना पड़ता है ए, गाड़ी अड़ा तो ये आवाज़ का अंतर है अब बोलेंगे आप आप बोलेंगे ऐसा पुलिस को बोलने का तमीज़ नहीं है पुलिस बोलती है ऐसे बोलती है पुलिस देखिए हम पढ़े लिखे हैं अरे बाबा क्या करें हम हमारा पाला ही रोज ऐसे लोगों से पढ़ रहा है हमारे हम पे एक और आरोप है कि आप थाने में आए हुए जो आदमी एप्लीकेशन दे रहा है उसी से क्वेश्चन पूछते हैं बरोबर है ना वो क्या करें थाने में देने वाला रिपोर्ट में से बीस में से दो केस ऐसे आते हैं जिसमें वही आरोपी मर्डर करने वाला निकलता है हमारी जिंदगी का आधार क्या है हमारी ट्रेनिंग का आधार क्या है शक अगर शक नहीं होगा अगर शक से बात नहीं करेंगे हम तो हम कुछ नहीं पकड़ पाएंगे कैसे कभी तुमने सोचा है कि वो फलाना वो बोलता है कि फलाने फलाने प्लेटफॉर्म पर चार चार के जी आर डी एक्स सांपड़ कैसे सांपड़ वो कर्मचारी जा जाकर शक करता है क्या है इसमें बता ये इसमें क्या है एक तो है हर आदमी में शक करना है हमको हमारी ट्रेनिंग शक की है तो उसमें ऐसी बुरा मानने की बात किया है हम बोलते हैं सब सिक्योर होना चाहिए पुलिस की कमजोरी हो गई वहाँ पर ये हो गया यहाँ पर ये हो गया पुलिस क्या कर रही थी सो रही थी क्या बैठ रही थी खा रही थी क्या और तो और कई लोग तो कैमरा ले लेकर के पहुंचते देखो ये पुलिस सो रही है अरे बाबा इंसान है सोएगा नहीं क्या आप उनको मत देखिए तो दस से पाँच करते हैं हम चौबीस घंटे काम करते हैं हमको भी जीने का अधिकार है हमको पता ही नहीं है कि हम कब खाएंगे तुम्हें तो पता है पुलिस वालों के जो पेट बड़े हुए हैं उसका कारण जानते हो मैंने पूरा स्टडी किया पूरा एकदम उसका स्टडी किया काय का एकदम साइंटिफिक तो मुझे मालूम चला डॉक्टरों से बात करने के बाद कि इनकी हैबिट क्या हो गई है कि अगली बार खाना मिलेगा कि नहीं पता नहीं पहली बार हम ज़्यादा खा जाओ जहां मिल जाए खा जाओ तो ऐसी सिचुएशन में मैं मेरे पास वनखेड़ी स्टेडियम है ये वाला जहाँ मैच होते हैं क्रिकेट मैच तो मैं सिक्योरिटी के लिए जब लोगों को लगाता हूँ तो चेक करने में लोग बोलगा हमें आतंक देगा चेक होना नहीं चाहता आदमी हिंदुस्तान में हाँ अमेरिका जाएगा तो चुपचाप बेट निकाल देगा बेल्ट निकाल देगा सब निकाल देगा दो घंटे खड़ा रहेगा लेकिन यार नहीं चेक होगा गाड़ी हर एक बीबीआईपी की और बी की भी एकदम एंड तक जाना चाहिए और एक हाथ बार ऑफिसर या कोई बड़ा आदमी मान भी जाएगा लेकिन उनकी बीबियां नहीं मानती गाड़ी एकदम एंड तक जाना चाहिए वो कौन आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हमको करने दीजिए ना काम अपना जिसको रोकेंगे वो बोलेगा माला मैत तुम्हारा नहीं कौन है हमें जिसको बोलेंगे बोलता है तुम्हारा अच्छा नंबर सांग तुमचा बिल्ला सांग सस्पेंड कर दो और ये क्या समाज है समाज में अगर आप सम्मान देंगे पुलिस को तो सम्मान पुलिस भी देगी आपको जब आप ही सम्मान नहीं दे रहे हर एक आदमी बोलता है मैं एडवोकेट हूँ हर आदमी बोलता है मैं ये हूँ मैं वो हूँ तो इस इस चक्कर में क्या हो रहा है समाज में पुलिस की जो लैंग्वेज है वो रफ हो रही है खराब हो रही है दूसरी बात जो करप्शन की बात है मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ आंकड़ों के साथ कहता हूँ पुलिस से ज़्यादा करप्शन दूसरे डिपार्टमेंट्स में है लेकिन हमारा हमारा क्यों बाहर है क्यों आपके सामने पहुँच रहा है क्योंकि हम वर्दी पहने हुए हैं हमारे पास नाम लिखा हुआ है ये मैं अगर यहाँ से वहाँ तक जाते समय किसी से पाँच सौ रुपये लूँगा तो पचास लोग देखकर बोलेंगे ये साहब गए थे ये मनोज कुमार शर्मा थे लेकिन कोई सिविलियन जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कौन गया कहाँ से गया कैसे गया दूसरी बात दूसरे डिपार्टमेंट्स को सरकार पैसा देती है जाओ फलाने फलाने गाँव में बीस कुआ खोदो फ्री में बरबर तो वो दस कुआ खोदेगा दस का पैसा खा जाएगा तो दस का जिसका खुद गया है वो अच्छा बोलने वाला है ना दस को तो पता ही नहीं है कि मेरे लिए भी आया था हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम जो पैसे डिमांड कर रहे हैं वो चलते हुए रोड वाले कर रहे हैं तेरा चालान करते हैं तेरा ये करते हैं इसलिए हम लोग बदनाम ज्यादा है देखते ज्यादा है लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है हकीकत ऐसी है कि महाराष्ट्र में कम से कम 80 से पचासी परसेंट पुलिस वाले दिन रात काम करते हैं हर समय काम करते हैं मेहनत से काम करते हैं और इसीलिए आप देखिए बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाते हैं हमारी समस्या ये है मैं आज आपके सामने रखता हूँ इस बात को कि हमारी समस्या ये है कि जब तक मुद्दा बड़ा है तब तक तो मीडिया पूरा ध्यान देती है जब मुद्दा छोटा हो गया तो मीडिया को तो देख ये नहीं दिखाती कि ये सॉल्व भी हो गया है मैं बताता हूँ आपको छोटा उदाहरण देता हूँ अहमदनगर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ दलित कम्युनिटी के साथ में आंदोलन कुछ बच्चों को मार दिया गया था तीन एक दो साल पहले एक साल डेढ़ साल पहले क्या जगह का नाम था मैं भूल गया हाँ कुछ तो भी था अब उसमें बहुत रोज बहस चलती थी रोज बहस पुलिस पर पुलिस पर पुलिस पर ऐसा लगता था कि अब क्या कर रहे हैं आंदोलन ये सब दो महीने बाद ये तय हुआ कि घर वालों ने मारा है बरूबर है ना अभी कुछ दिन पुरानी बहुत, बहुत महाराष्ट्र में बहुत चला था रोज़ आंदोलन उसके बाद मीडिया चुप हो गई बोली नहीं एक सेंटेंस नहीं बोली क्या करें ओम अरे बाबा कुछ तो बोलो दो महीने तक हमारी जान खाई है एक दिन तो बोलो कम से कम तो द प्रॉब्लम क्या है कि हमारा समाज नकारात्मक चीज़ों को लेने के लिए तैयार है टी आर नहीं बढ़ती कुछ दिक्कतें हैं और इसीलिए जो अभी हमारा देश इस, इस जिस जगह खड़ा हुआ है वहाँ से अब देखो आगे बढ़ने का एकदम टेकऑफ की पोजिशन में है अब देखिए मीडिया सकारात्मक चीज़ों की तरफ जा रही है अब जाना शुरू कर दिया लोगों ने अब मेरे पास लोग आते थे कुछ कुछ पॉजिटिव स्टोरी दीजिए इसका मतलब ये है कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जो संक्रमण काल था देश के निर्माण का वो संक्रमण काल से थोड़े हम अब पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है ये जो पॉजिटिव दिशा है उसमें पुलिस की जो भूमिका है वो भी डिफाइन हो रही है हम भी न्यायालय के मानवाधिकार के इन सारे सारे चीज़ों के बीच में अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमसे गलतियाँ हुई हैं जो हमने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र पुलिस इस दुनिया, इस देश की सबसे बेहतरीन पुलिस के रूप में सामने आने वाली है मेरी तरफ से इतना ही बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका देने के लिए बहुत, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की बहुत बेहतरीन कामना करता हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि आप आने वाले समय में सरकार ने जो और जो श्याम टी ने जो एक एक बड़ा मुहिम लिया है इस मुहिम को आप आगे ले जाएंगे और आप में से कई लोग इस वास्तविक मंत्रिमंडल के रूप में देखने को मिलेंगे आगे आने वाले समय में और मुझे ये भी यकीन है कि आप में से कई लोगों को मैं वहाँ पर रिसीव करके सेल्यूट करूँगा थैंक यू वेरी मच मस मत कि तुम्हारा सग प्रश्ना जी उत्तर मिला अपन दुसऱ्या शेषनमध्ये स्वतंत्रपणे त्यांना ऐकूया काही प्रश्न उत्तरं असतील तर आपण त्यांना मेलवरही ते विचारूया कविता आहेत कोणाचे काही प्रश्न आहेत आपण दुसऱ्या सत्रामध्ये त्यांना या ठिकाणी ऐकूया मी सरांचे खूप खूप मनापासून आभार मानतो थँक्यू सो मच